नमस्कार, मैं आचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। बांदा जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एवं आगामी नवरात्रि महोत्सव एवं दशहरा त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवानों के द्वारा बेबरू क्षेत्र के संवेदनशील एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया तथा पुलिस के द्वारा लोगों से धारा 144 का पालन करने की अपील की गई। बता दें कि सीआरपीएफ जवानों के द्वारा बांदा जनपद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों पर साप्ताहिक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज शनिवार को बेबरू पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह के कुशल प्रवेक्षण एवं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह व सीआरपीएफ कमांडर अखंड प्रताप के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ बेबरू क्षेत्र के संवेदनशील एरिया में फ्लैग मार्च किया गया तथा आगामी नवरात्रि महोत्सव एवं दशहरा त्यौहार की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 144 धारा को लागू किया गया। दिशा निर्देश देते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस के द्वारा अपील की गई। जी सर, कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया है, किस प्रकार का फ्लैग मार्च था, क्या दिशा निर्देश? ये रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जिला पुलिस का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आज ये संवेदनशील फ्लैग मार्च किया गया है। उनका ये कार्यक्रम रहता है खाली समय में सिविल पुलिस के साथ संवेदनशील स्थानों के बारे में जानकारी करना, यहाँ के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना ताकि किसी आपत्ति के समय इनका रिस्पांस टाइम कम से कम रहे और ये प्रभावी कार्यवाही कर सके। जी सर, आपकी बटालियन के साथ कस्बे में भ्रमण किया गया है, किस प्रकार का फ्लैग मार्च निकाला गया? ये हमारी बटालियन एक्सवे कार्य प्रयागराज में स्थित है, तो जिसके हम लोग खाली समय में एक फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज करते रहते हैं। जो हमारे एवार में जितना भी एरिया आता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जो भी संवेदनशील एरिया है वहाँ का भ्रमण करते हैं ताकि जो भी अगर दंगे या दंगे जैसी स्थिति कहीं उत्पन्न होती है उस समय हम कम से कम समय पे जाके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे स्थापित कर सकें। इसी क्रम में हमारे एक्स बटालियन की एक प्लाटून यहाँ पर आई हुई है, इसमें श्री मनोज कुमार गौतम कमांडेंट के मार्गदर्शन में श्री विजय कुमार सहायक कमांडर के यहाँ पे कंट्रोल में एक प्लाटून यहाँ पर आई हुई है, जिसके एक हफ्ते का हमारा यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसमें हमने पहले दिन अतर्रा का भ्रमण किया, दूसरे दिन नारायणी का भ्रमण किया, जिसमें आज तीसरे दिन यहाँ पर बबेरू के कोतवाली के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं संवेदनशील वहाँ पे हमने भ्रमण किया और आपने देखा हमने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया, ये उसी उद्देश्य से किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।